हेलो एवरीवन, पूर्वी ममता में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए भुट्टे की चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो काफ़ी स्वादिष्ट होती है। और अभी भुट्टे का सीजन है, मार्केट में अच्छे भुट्टे भी आ रहे हैं, तो आप इसकी चटनी बना सकते हो, और नहीं तो आप कॉर्न की भी चटनी बना सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ना एक भुट्टे को छील कर उसका दाना निकाल लिया है। चटनी जब भी बनाएं, जो खिच्चे वाले भुट्टे होते हैं उसके बनाएं। और देखिए, हमने कुकर लिया है, कुकर में भुट्टे के सारे दाने को हम डाल देंगे, और इसमें हम आधा गिलास पानी ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आधा गिलास पानी ऐड कर दिया है, और इसे कुकर को गैस पर चढ़ाकर इसे हम 6-7 सीटी में अच्छे से बॉयल कर लेंगे। अच्छे से हम इसे पका लेना है। और देखिए, ये हमारा दाना भुट्टे का अच्छे से पक चुका है, तो पानी से हमने अलग करके छान लिया है। और हमने एक आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 4-5 हरी मिर्च लिया है, 6-7 हमने लहसुन की कली ली है। अब हम क्या करेंगे, मिक्सर का जार लेंगे और हम सारे दानों को उसमें डाल देंगे जार में, और लहसुन हरी मिर्च को भी ऐड कर देंगे। और जैसे हम चटनी पीसते हैं उसका हम उसी तरह पेस्ट तैयार कर लेंगे। आम को भी हम डाल देंगे फ्रेंड्स। अगर आम ना हो तो आप नींबू काट कर भी नींबू का रस डाल सकते हो, और नहीं तो आप आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हो, उससे भी चटनी काफ़ी टेस्टी बनती है। तो आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें, काफ़ी स्वादिष्ट होती है चटनी। देखिए, हमने सभी को ऐड कर दिया है, थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे, और हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, और इसका हम स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे भुट्टे की चटनी बनकर तैयार है, काफ़ी टेस्टी बनी है। इसे हमने बाउल में निकाल लिया है, तो आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।